जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो वो हमेशा यही सोचती है कि हम ऐसा क्या खाएं जिससे हमारा शिशु हेल्दी हो, उसको पूरे न्यूट्रिशंस मिले, और वो अपने खाने पीने का बहुत ख्याल रखती है। इसी में एक उनके दिमाग में ये आता है कि दही का सेवन प्रेगनेंसी में करना चाहिए या नहीं, अगर करना चाहिए तो किस तरीके से, दही खाने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, सारी चीज़ें दिमाग में हमारे चलती रहती है। प्रेगनेंसी में बहुत सारी ऐसी बात होती है जो हमारे दिमाग में चलती ही रहती है। और अब तो गर्मियाँ आ गई है और प्रेगनेंसी में दही खा सकते हैं या नहीं, खासकर गर्मी के टाइम में, क्योंकि ज़्यादातर लोग दही को गर्मी के टाइम में खाना पसंद करते हैं जिससे कि पेट ठंडा रहे। तो आज के वीडियो में हम जानते हैं कि क्या हमें प्रेगनेंसी में दही खाना चाहिए, और अगर खाना चाहिए तो कैसे खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए जिससे कि हमारे शिशु को उसका पूरा न्यूट्रिशन मिले और हमारा शिशु हमेशा हेल्दी रहे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है रितु और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। यहाँ पर मैं प्रेगनेंसी, पेरेंटिंग, हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ लेके आती हूँ, तो वीडियोज़ को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि वीडियो होने वाला है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और ऑल नोटिफिकेशन पे ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा, तभी हमारे सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे आपको। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गर्भावस्था में दही खाने से महिलाओं की सेहत सही रहती है और अजन्मे बच्चे को भी फायदा पहुंचता है। इसका पाचन बेहद आसान होता है। इसमें मौजूद कैल्शियम और प्रोटीन बच्चे के उचित विकास में सहायक होते हैं। इसके अलावा दही में गुड बैक्टीरियाज भी होते हैं जो बैड बैक्टीरिया से लड़ने में सहायक होते हैं। इस तरह से बीमारी से लड़ने में यह प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाती है, जिससे महिला और बच्चे दोनों के बीमार होने का डर भी खत्म हो जाता है। गर्भावस्था में दही के सेवन से माँ और बच्चे दोनों ही स्वस्थ रहते हैं। आइए हम जानते हैं कि गर्भावस्था में दही खाने के क्या क्या फायदे हैं। नंबर एक, पाचन क्रिया को सुधारता है। दही में बहुत सारे अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो आंत के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करते हैं, या भोजन को पचाने में भी बहुत ही अच्छे से मदद करते हैं, या पाचन तंत्र और न्यूट्रिशन को अवशोषित करने में मदद करते हैं। इसमें जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो अच्छे पाचन में भी मदद करता है। नंबर दो, शरीर को ठंडा बनाए रखने में मदद करता है। यदि आप अधिक तीखा खाना खाती है तो इसमें थोड़ा सा दही मिला के खाएँ, या तीखे खाने के प्रभाव के साथ साथ एसिडिटी और सीने में जलन को भी ठीक करता है। गर्भावस्था के दौरान चटपटा खाने की इच्छा होना आम बात है, इसलिए खाना खाते समय हमेशा दही को साथ में जरूर रखें। नंबर तीन, कैल्शियम से भरपूर। दही कैल्शियम से भरपूर होता है और डॉक्टर के सलाह के अनुसार इसे दिन भर में 3 बार खाना चाहिए। गर्भ में पल रहे बच्चे के दांतों और हड्डियों को बनाए रखने में कैल्शियम की जरूरत होती है, और यह शारीरिक कार्यों में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कैल्शियम शरीर में विटामिन डी को अवशोषित करने के लिए भी आवश्यक होता है। नंबर चार, यह इम्यूनिटी में सुधार करता है। इसमें अच्छे बैक्टीरिया होने के कारण यह पेट की समस्याओं और इन्फेक्शन को ठीक करता है। इसके अलावा दही खाने से शरीर में गुड बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ जाती है, जो आंतों में फ्लोरा नामक बैक्टीरिया को रिस्टोर करता है और पाचन को बढ़ाने के साथ साथ रोगों को भी ठीक करता है। नंबर पाँच, हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करता है। गर्भावस्था के दौरान हाई ब्लड प्रेशर होना बहुत ही सामान्य बात होती है, जो गर्भ में पल रहे बच्चे और माँ पर नकारात्मक असर डाल सकता है। दही खाने से शरीर शांत रहता है और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ सकता है। यह कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी कम करने में मदद करता है, और हृदय स्वास्थ्य के लिए भी यह बहुत अच्छा है। नंबर छः, तनाव और एंजाइटी को ख़त्म करना। गर्भावस्था के दौरान अक्सर महिलाओं को एंजाइटी की प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ गर्भवती महिलाओं को तो तनाव भी हो जाता है। दही में एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जो शरीर में शक्ति प्रदान करता है, और साथ ही यह स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही अच्छा है। अन्य खाद्य पदार्थों के लिए भी यह बेहतरीन विकल्प है, जैसे कि आइसक्रीम और केक। नंबर सात, रूखी त्वचा और पिगमेंटेशन को रोकता है। गर्भावस्था के दौरान हार्मोनल बदलाव और असंतुलन के कारण हमारी त्वचा रूखी और इनकी रंगत भी असमानता होती है। दही में विटामिन ई पाया जाता है जो त्वचा को स्वस्थ रखता है और पिगमेंटेशन को भी रोकता है। नंबर आठ, शरीर का वजन बनाए रखता है। गर्भावस्था के दौरान वजन बढ़ना स्वस्थ संकेत है, लेकिन अत्यधिक वजन बढ़ना बहुत ही प्रॉब्लमदायक हो सकता है। दही खाने से शरीर में मौजूद तनाव के हार्मोन्स और
कोर्टिसोल कम होते हैं। शरीर में मौजूद कोर्टिसोल और तनाव के हार्मोन की वृद्धि से लंबे समय के लिए माँ और शिशु का वजन बढ़ सकता है। नंबर 9, मांसपेशियों के लिए अच्छा होता है। दही में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है जो मांसपेशियों के विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। मांसपेशियों के फाइबर को संकुचित करने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है, इसलिए दही मांसपेशियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। अब बात करते हैं गर्भावस्था में कौन सा दही खाना अच्छा होता है। गर्भावस्था के दौरान पाश्चुकृत दूध से बना हुआ दही अच्छा और सुरक्षित होता है। कई प्राकृतिक सामग्री और पाश्चुकृत दूध का उपयोग करके बनाए हुए दही बाजार में मौजूद है जो स्वास्थ्य के लिए बेहतर माने जाते हैं। वैसे घर का बना ताज़ा दही सबसे बेहतर है, पर ध्यान रहे दही बनाने के लिए कच्चे दूध का इस्तेमाल कभी ना करें। अब बात करते हैं गर्भवती महिला को दिन में कितना दही खाना चाहिए। दही के आवश्यक न्यूट्रिशन प्राप्त करने के लिए गर्भावस्था के दौरान एक दिन में लगभग 600 ग्राम दही खाना अच्छा होता है। आप इसे 200 ग्राम करके 3 बार के सर्विंग में भी ले सकती हैं। गर्भावस्था के दौरान किस प्रकार की दही से हमें परहेज करना चाहिए ये भी जानना बहुत जरूरी है। गर्भावस्था के दौरान दो प्रकार के दही खाना मना है। एक वह जो कच्चे और बिना पाश्चुकृत दूध से बनाया जाता है, क्योंकि इसे खाने से लिस्टेरिया जैसे रोग हो सकते हैं, इसलिए गर्भावस्था में ऐसा दही खाने को मना किया जाता है। दूसरा फुल फैट दही, जिससे अत्यधिक वजन बढ़ने का खतरा बना रहता है, इसलिए फुल फैट दही कभी नहीं खाना चाहिए, नहीं तो आपका वजन और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। दोस्तों, यहाँ पर मैंने दही खाना चाहिए या नहीं प्रेगनेंसी में इसकी सारी जानकारी दी। अगर खाना चाहिए तो कैसा खाना चाहिए, कौन सा दही नहीं खाना चाहिए, सारी जानकारी यहाँ दी। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी कमेंट हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना है मुझे ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। फर्स्ट टाइम आए हो तो बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल मत जाना। चलिए फिर मिलते हैं अपने ऐसे ही किसी अच्छे वीडियो में। टिल देन बाय बाय।